अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं अली हैदर और मैं हूं महरीन फातिमा। सबसे पहले अहम खबर, NA-43 टांग 6 में से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हित में गैर सरकारी नतीजा। मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद के 209 वोट, कोट आजम पोलिंग स्टेशन से PTI के दावरकुंडी के 98 वोट निकले। अब तक के गैर हित में नतीजे के मुताबिक दावरकुंडी 715 वोटों से आगे हैं। कुल 348 पोलिंग स्टेशन में से 5 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना अभी बाकी हैं। NA-43 टांक में 6 में से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद 209 वोट हासिल कर सके हैं। कोट आजम पोलिंग स्टेशन से PTI के दावरकुंडी के 98 वोट निकले हैं। कोट आजम पोलिंग स्टेशन से PTI के दावरकुंडी के 98 वोट निकले। अब तक के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक दावरकुंडी 715 वोटों से आगे हैं। वहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी के माबैन मुजाकरात का 5वां दौर है। हुकूमत साजी के मामले पर दोनों जमातों में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोआर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इस वक्त साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की रिहाइशगाह पर जारी है और इस इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है वो कायल कर रही है कि वफाकी काबीना का वो हिस्सा बने और साथ में वजारतें जो हैं वो मिलकर तकसीम की जाएँ। आइनी अहदों की अगर बात की जाए तो स्पीकर का जो अहदा है उसके ऊपर पहले मरहले में तबादला ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी उम्मीदवार हों उसकी मुस्लिम लीग नून जो है वो फुल सपोर्ट करे, और जब मार्च में चेयरमैन सेनेट का चूँकि इलेक्शन होना है तो सेनेट के इलेक्शन बाद में है, उसके उम्मीदवार के जो भी नाम हो या जिस तरह से भी बात करनी है वो दूसरे मरहले में की जाए। तो आज कभी इम्कान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारतें लेने या ना लेने के हवाले से हतमी फैसला जो है वो आज के इस इजलास में हो जाएगा। आज 5वां दौर है और इससे कबल भी जो 3 दौर हुए जो उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने पीपल्स पार्टी को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि आइनी अहदों के साथ साथ जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म के लिए वोट दे रही है और हुकूमत का हिस्सा बनती है और हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ का सुन्नी इतिहाद काउंसिल से पार्लियामानी इतिहाद का ऐलान। विफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इतिहाद का फैसला किया गया है। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इतिहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार करेंगे। PTI MWM और सुन्नी इतिहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इतिहाद का फैसला इतफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशस्तें अलाट की जाएँ। जो भी वो जिक्र कर रहे हैं लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दानली हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिए से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तरह तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएँ। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने आवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पीपल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहे। 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े, हमारी 180 सीटें कौमी असम्बली में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी KP में है, हमारी सीटें सिंध में भी हैं, हमारी बलूचिस्तान में भी हैं और पंजाब। ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक्फ किया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट भी किया, ठीक है हम बैठे हैं बात हुई है और ये बेस्ट ऑप्शन था और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी का सियासी किरदार क्या होगा, पार्लिमानी पार्टी ने सर जोड़ लिए। मखदूम सैयद अहमद महमूद की जेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हैदर गिलानी को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या तफसीलात हैं?
और बिल्कुल आज पीपल्स पार्टी की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास हुआ है जिसमें 9 मुंसिब 10 सरकारें पंजाब असेंबली ने शिरकत की है। और इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो है पंजाब में पीपल्स पार्टी का सियासी किरदार क्या होगा इसके हवाले से सिफारशात मुरतब करके बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दी गई है। ये भी इम्कान है कि सैयद अली हैदर गिलानी को जो है वो पंजाब का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया जा सकता है। इस हवाले से भी जो है वो सिफारशात पार्टी की क्यादत को भेजी जा रही है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की क्यादत ने इस बात का भी दावा किया है कि उनके आजाद अरकान से राबते हुए हैं। और ये लियाकत बहुत शुक्रिया आपका। और दो पंजाब में पीपल्स पार्टी का सियासी किरदार क्या होगा, पार्लिमानी पार्टी ने सर जोड़ लिए। मखदूम सैयद अहमद महमूद की जेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हैदर गिलानी को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। तर्जमान चीनी, वजारत खारजा की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनाकिद किए गए। तर्जमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तानी आवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान भी नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती के लिए मिलकर काम करें। निगरान वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर रिटर्निंग अफसरान के ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कुछ अनासिर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अनवारुल हक आकर ने मजीद कहा कि रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फ़राइज की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। तशद्दुद ट्रॉलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके मिसाली सजा दी जाएगी। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बड़ा फैसला। पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राबता के कंट्रोल से निकाल दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए गए। पीसीबी अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा और जबकि पीसीबी अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी आईपीसी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बड़ा फैसला किया गया है। पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राबता के कंट्रोल से निकाल दिए गए हैं। वहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी के माबैन मुज़ाकरात का 5वां दौर है। हुकूमत साज़ी के मामले पर दोनों जमातों में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोआर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की रिहाइशगाह पर जारी है और इस इजलास में हुकूमत साज़ी के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है वो कायल कर रही है कि वफाकी काबीना का वो हिस्सा बने और साथ में वजारतें जो हैं वो मिलकर तकसीम की जाएँ। आइनी अहदों की अगर बात की जाए तो स्पीकर का जो अहदा है उसके ऊपर पहले मरहले में तबादला ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी उम्मीदवार हों उसकी मुस्लिम लीग नून जो है वो फुल सपोर्ट करे। और जब मार्च में चेयरमैन सेनेट का चूँकि इलेक्शन होना है तो सेनेट के इलेक्शन बाद में है, उसके उम्मीदवार के जो भी नाम हो या जिस तरह से भी बात करनी है वो दूसरे मरहले में की जाए। तो आज कभी इम्कान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारतें लेने या ना लेने के हवाले से हतमी फैसला जो है वो आज के इस इजलास में हो जाएगा। आज 5वां दौर है और इससे कबल भी जो 3 दौर हुए जो उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने पीपल्स पार्टी को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि आइनी अहदों के साथ साथ जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म के लिए वोट दे रही है और हुकूमत का हिस्सा बनती है और हुकूमत के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।